दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी की किचन में। आज मेरी किचन में बनने जा रहा है सोया चाप मसाला, जिसको कई लोग सोया चाप ग्रेवी भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी रेसिपी। यहाँ मैंने 4 सोया चाप स्टिक्स ले रखे हैं, फ्रेश सोया चाप स्टिक्स है, ज्यादा पुरानी नहीं लेनी है आपको। यहाँ मैंने एक प्याज लिए है बड़े साइज की, बड़े साइज के 2 टमाटर लिए हैं, 4-5 लहसुन की कली ली है, उसके अलावा मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्ची ली है। यहाँ खड़े मसालों में मैंने 3 हरी इलायची ले रखी है छोटी वाली, 5 लौंग और 3-4 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा। इसके साथ ही मैं यहाँ पिसे मसालों में लूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नॉर्मल वाली लाल मिर्च। ये हमने खड़े मसालों में लिया है और ये हमने पिसे मसालों में ले लिया है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर होता है ढेर सारा प्रोटीन, टेस्ट में भी बिल्कुल नॉनवेज जैसी लगती है। इसको हम इसी तरह से स्टिक से बिल्कुल अलग कर लेंगे, सेपरेट बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद इसको इस तरह से आपको पीसेस में कट करना है, ज्यादा बड़े पीसेस नहीं करने हम, क्योंकि जितने ज्यादा छोटे पीसेस करेंगे वो ग्रेवी उसके अंदर ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ये कुछ इस तरह से लगती है, ये बहुत टाइम की रखी हुई होगी ना तो हार्ड हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेश होगी ना, ज्यादा टाइम की नहीं होगी, तो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी इस तरह से, स्पंजी जैसी। सोया चाप स्टिक्स हमने इस तरह से सारी पीसेस में कट कर ली है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हमने गैस पे थोड़ा ऑयल रखा है गरम करने के लिए। इसके अंदर हम सोया चाप को ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो सोया चाप सारी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से सीखी सीखी हो जाएगी। और इसको डालने के बाद तुरंत इस तरह से चलाना है। सोया चाप को हम फ्राई कर रहे हैं, इसको फ्राई होने में टोटल 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। ये फ्राई हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सोया चाप आपकी ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगी ऑयल में और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखी थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा लो होता है सोया चाप का, हम फ्रीजर से निकालते हैं और जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए हाई फ्लेम रखी थी, उसके बाद जैसे जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमने फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पे क्या फायदा होगा कि अंदर तक इसकी जितनी लेयर्स है ना वो अच्छे से पक जाएंगी और कच्ची नहीं लगेगी। आज हम बना रहे हैं सोया चाप ग्रेवी। सोया चाप टिक्का भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, सोया चाप बहुत हेल्दी होती है। अगर आपको उसकी रेसिपी भी देखनी है तो लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप देख सकते हैं सोया चाप ये है, इनका साइज भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है और देखने में भी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आइए इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर से पक चुकी है। आप इनकी आवाज सुनिए कितनी क्रिस्पी है ये। यहाँ हमने प्याज को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, इसको हम ऑयल हमने जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया है, थोड़ा ही ऑयल रखा है, इसके अंदर डाल के हम फ्राई कर रहे हैं। गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। आप प्याज देख सकते हैं किस तरह से ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है, हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, इसको हम अलग प्लेट में निकालेंगे और ठंडी होने देंगे। हमें टमाटर को इस तरह से चॉप कर लिया है, इसको हम जार में टमाटर प्यूरी बनाने के लिए डाल रहे हैं। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च। टमाटर प्यूरी बनके रेडी है, जिसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च पड़ा था, इसको हम इस तरह से अलग निकाल लेंगे। इसी जार के अंदर हम डालने जा रहे हैं ये प्याज, ठंडी होने के बाद ही आप इसको पीसें। यहाँ प्याज भी इस तरह से पिस गई है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं। यहाँ हमने बचे हुए ऑयल के अंदर हम डाल रहे हैं सबसे पहले ये खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी ली थी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये प्याज। प्याज वैसे ही भुनी हुई थी पहले से ही,
अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये टमाटर प्यूरी, जिसके अंदर हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड करी थी। जब तक टमाटर अपना मॉइस्चर लूज करेगा और ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा तब तक हम वेट करते हैं। टमाटर की ग्रेवी प्याज के साथ पकना स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। इसको 2 मिनट और इसी तरह से चला चला कर पकाएंगे। आप देखिए इसमें साइड में इस तरह से ऑयल इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे मसाले, जिसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, नॉर्मल वाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी ले रखी है। इसको जब तक हम भूनेंगे जब तक इसके अंदर ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है। इसकी ग्रेवी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश कर्ड, आप चाहे तो मलाई भी यूज कर सकते हैं। इसे ग्रेवी के अंदर एक बहुत शानदार टेस्ट आएगा, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो हमेशा इसको यूज करते हैं। आप देखिए इसके अंदर मसाले के ऊपर ऑयल अच्छे से इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं, जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना ग्रेवी इसमें रिक्वायर्ड है उसे आप आधा कप पानी ज्यादा ही इसमें ऐड करें। इससे क्या होगा कि जो हमारी सोया चाप है वो जो पानी एब्जॉर्ब करेगी तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ग्रेवी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये सारी सोया चाप। सोया चाप को हम ढककर पकाएंगे। इसको हम इस तरह से ढक देते हैं, इसको हम 2-3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम कम करके पकाएंगे। सब्जी को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। सोया चाप को चेक करेंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें अंदर तक भी मसाला भर गया है। ये देखिए अंदर तक इसमें मसाला दिख रहा है भरा हुआ। सब्जी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ा हरा धनिया। आइए इसको सर्व कर लेते हैं।